हाई एवरीवन, आई एम अबा एंड यू आर वॉचिंग हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। सो प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी काफ़ी तरीके के चेंजेस को देख लेती है, फेस करती है। वहीं डिलीवरी के बाद ही बहुत सारे नए चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस उन चेंजेस को बैलेंस करने में एंड ऑल्सो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने में, सुदृढ़ बनाने में और फिर से पहले जैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। नॉर्मल डिलीवरी एंड सीजरियन डिलीवरी के बाद में हमारी बॉडी में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप लगभग 6 हफ्ते के बाद ये एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। सीजरियन डिलीवरी के बाद में आप लगभग 8 से 10 हफ्ते जरूर रुकें और उसके बाद ही डॉक्टर की सजेशन के अनुसार ही ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। आपको बैठना है लेग को क्रॉस करके, जस्ट लाइक मी आई एम डूइंग दिस। इस तरीके से बैठना है, ओके, एंड देन जस्ट फील रिलैक्स। इसके बाद आपको आपके जो वजाइना है उसे होल्ड करना है, सक इन करना है, जस्ट लाइक दिस। होल्ड किया 10 सेकेंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। इसे आप कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं, आप वॉशरूम में भी बैठे बैठे इसे कर सकते हो। आपको बस इतना करना है, कभी कभी क्या होता है कि हम यूरिन को रोक लेते हैं ना, कहीं ऐसी जगह पर होते हैं कि हमें नहीं जाना होता, तो बस वैसे ही आपको उन मसल्स को होल्ड करना है। ओके, इसे आपको 5 टाइम्स इन अ डे स्टार्टिंग में करना है, देन इसके बाद आप इसे 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो, या फिर आप दिन में 2 बार 5-5 टाइम्स कर सकते हो, जिस हिसाब से आप कर पाओ आप कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज कि ये वाला जो एक्सरसाइज है स्पेशली वजाइना के लिए, इसके लिए आपको कोई प्रॉपर जगह की ज़रूरत नहीं, आप कहीं पे भी बैठे बैठे इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। जस्ट फील रिलैक्स एंड डू इट, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू कीगल्स फॉर वजाइना, और ये आपके वजाइना को स्ट्रेंथ देता है, टाइट भी करता है, और जो पेन वगैरह हो रहा होता है ना एपिसियोटमी के बाद वजाइना में, उससे भी रिलीफ कर देता है। एंड ऑल्सो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड जो पेन आता है उसे भी ठीक करता है, बहुत आराम मिलता है। सो दिस इज हाउ कैन डू कीगल्स। ये एक्सरसाइजेस मैंने 6 वीक्स से स्टार्ट करी थी, ऑल्टरनेट डेज पे करती हूँ, रेगुलर नहीं हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट स्टिल मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये आपकी टमी के लिए है। टमी की मसल्स को आपको थोड़ा देर अपने सांस के साथ में अंदर होल्ड करना है, यानी कि सक इन करना है, अंदर खींचना है, और 10 सेकेंड तक अपनी मसल्स को और सांस को होल्ड करके रखना है। 5 to 10 सेकेंड आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, देन आप इसको रिपीट करके बढ़ा सकते हो। ध्यान रखें, सांस के साथ आपको पेट की मसल्स को अंदर करना है, थोड़ा देर सांस को रोक के रखना है 5 से 10 सेकंड, उसके बाद सांस छोड़ना है, और सांस छोड़ते समय ही आपको आपके पेट को भी ढीला छोड़ना है। ऐसा आप कई बार करें, काफी आराम मिलता है और पेट आपका काफी टोन भी होता है इसके साथ ही साथ। पहली बार मां बन रही हैं और आपकी पहली नॉर्मल डिलीवरी है, तो ये जो एक्सरसाइजेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। एंड द बेस्ट पार्ट, इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं है। अब करते हैं एक्सरसाइजेस जो हमारे पेल्विक फ्लोर, लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन को सपोर्ट देती हैं, स्ट्रांग बनाती हैं एंड ऑल्सो पेन से भी हमें रिलीफ देती हैं। सबसे पहले आपको ऐसी पोजिशन में आना है और पीठ के बल सीधा लेट जाना है। बॉडी को रिलैक्स करें, स्थिर बनाएं और पैरों का ऐसा एंगल बना लीजिए, मोड़ करके ऐसे रख लीजिए बिल्कुल सीधा। इसी तरह से एंगल बनाना है, हाथों को साइड में रख करके बिल्कुल सीधा रखना है, और अपने हिप को यानी कि अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है। हिप के साइड से आपको बॉडी को ऊपर उठाना है। कोशिश करें कि बॉडी को ऊपर उठाएं और थोड़ा सा होल्ड करें, देन वापस से बॉडी को नीचे करें। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बॉडी का एंगल जरूर ध्यान रखें, बॉडी को उठाते समय घुटने और सर से बॉडी का एंगल कुछ ऐसा हो। नॉर्मल डिलीवरी के बाद में हमें कमर का दर्द काफी होने लगता है, और ये एक्सरसाइज करने से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, आराम मिलेगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल लेटने की पोजीशन में आ जाना है, पैरों को और अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, और एक करवट लेट जाना है। दाएं या बाएं कोई भी करवट आप लेट सकते हैं, जिधर आपको कंफर्टेबल फील हो। इसमें अंदर वाले हाथ को आपको सर की तरफ रखना है, और बाहर की तरफ जो हाथ है उसे आपको फ्लोर पे रखना है, और बॉडी को सपोर्ट देना है। अब पैर को आपको कुछ इस तरीके से उठाना है और नीचे गिराना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा पैर आपका, जैसे कि आप सीजर चलाते हैं, कैंची चलाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पैर ओपन करना है, बंद करना है, खोलना है और फिर बंद करना है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कई बार करनी है। रेगुलरली एक्सरसाइज करने से आपको अपर थाइज, नीज एंड एंकल के जो पेन होते हैं, पैरों की जो स्वेलिंग होती है, उससे काफी आराम मिल जाएगा। कमर दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। डिलीवरी के बाद भी बॉडी का वजन काफी ज्यादा होता है और बॉडी काफी वीक भी होती है, इसलिए अपने शरीर पर आप बहुत सारा जोर ना डालें, जितनी एक्सरसाइज आपसे हो पाए उतना ही करें और बहुत ही आराम से फ्लोर से उठें। चलिए देखते हैं अगली एक्सरसाइज। इसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है,
नीचे झुकना है और बॉडी को इस तरह से बेंड डाउन करना है, पैरों को बाहर करना है और बॉडी को आगे तरफ रखिए और पैरों से यानी नीज एंड आपकी कमर से बॉडी को जितना हो सके स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको आपकी बॉडी को अंदर की तरफ उठाना है, यानी कि आपकी जो टमी है उसे सकिन करना है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी गोल हो जाएगी ऊपर से। इस तरह से पोजीशन बनानी है, बॉडी को रिलीज करना है, बॉडी को ढीला छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को नीचे झुकाना है और सामने से सर को ऊपर लाना है और बिल्कुल ऊंचा सर उठाना है। दोनों ही तरीकों से आपको आपकी बॉडी को थोड़ा देर के लिए होल्ड करके रखना है सेम उसी पोजीशन पर। इसे हम कहते हैं कैट एंड कैमल। कैट में आपको सर ऊपर उठाना है और कैमल में आपको आपकी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाना है, जिससे कि आपकी कमर और आपकी रीढ़ की हड्डी से एक हल्का सा कर्व क्रिएट हो पाए। इससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं, जो कि डिलीवरी के बाद काफी ढीली हो जाती है, उस पे बहुत असर पड़ता है और वो धीरे धीरे टोन होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज। काफी ज्यादा पॉपुलर है, नॉर्मली भी लोग इस आसन को करते हैं जिनका बैली फैट ज्यादा होता है, जिन्हें एब्स को टोन करना होता है। काफी ज्यादा असर करती है ये वाली एक्सरसाइज। मैं अभी भी इसे फॉलो कर रही हूँ और मुझे काफ़ी बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो बेली था वो फर्स्ट डिलीवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था एंड ऑल्सो पेंडुलस भी हो गया था। थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ज़्यादा रिलीफ मिलेगा तो मैं आपके साथ अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आपको बॉडी को सीधे रखते हुए पेट के बल लेट जाना है और पैरों की और हाथों की पोजीशन को कुछ इस तरीके से बनाना है। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, सर को ऊंचा उठाते हुए कर्वी फॉर्म क्रिएट करना है बॉडी में इस तरीके से। जितना हो सके सर को आप ऊपर उठाएं और जितना नेचुरली आपसे हो पाए आप उतना ही करें, जबरदस्ती अपने शरीर पर प्रेशर नहीं डालें। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से, गायने से या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करें किसी भी तरह की एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए। सारी एक्सरसाइजेस मुझे मेरे गायनों के साइड से रिकमेंड करी गई हैं और मुझे पर्सनली सही लगी, उन्हें मेरी बॉडी के बारे में सब पता था और मैंने उनके सजेशन के हिसाब से ये एक्सरसाइज आगे फॉलो करी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप भी कोई भी नई एक्सरसाइज फॉलो करने के पहले आपकी डॉक्टर या फिर गायनों की सजेशन जरूर लें। एक इम्पॉर्टेंट बात, जिस तरीके से हम हल्के हल्के से एक्सरसाइज की पोजीशन में आते हैं, उसी तरीके से स्लोली हमें वापस से अपनी पोजीशन में जाना है और धीरे धीरे ही ऊपर उठना है और खड़े होना है। टमी को टोन करने के लिए ही अगली एक्सरसाइज में आपको बैक साइड से लेट जाना है फ्लोर पर, बिल्कुल सीधे लेटना है। नी के साइड यानी घुटने के साइड से इस तरह का एंगल बनाना है, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बाहर से अपने टमी को अंदर की तरफ पुश करना है। पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करें जितना हो सके आपसे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है आपके एब्डोमिनल मसल्स को टोन करने के लिए और आपको काफ़ी आराम भी मिलता है। जिन लेडीज़ का वज़न प्रेगनेंसी में काफ़ी बढ़ जाता है और उनकी बॉडी काफ़ी हैवी हो जाती है, इनफैक्ट उनकी जो टमी होती है वो काफ़ी बल्जी हो जाती है, बहुत बाहर निकल आती है, उनके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान होती है। आप इजीली कर सकते हो और आपके टमी को टोन भी कर सकते हो इसे रेगुलरली फॉलो करके। सेम पोजीशन पर आप वन बाय वन आपकी नीज को फोल्ड करके इन एंड आउट करके डिलीवरी के बाद होने वाले नी पेन से घुटनों के दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं। बिलीव मी गाइस, मुझे ये वाली एक्सरसाइज से बहुत आराम मिला, क्योंकि इस बार डिलीवरी के बाद मुझे जो मेरे घुटने थे उसमें बहुत पेन शुरू हो गया था, स्पेशली राइट वाले घुटने में, और ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद घुटनों का जो पेन शुरू हुआ था ना वो कब छुमंतर हो गया पता भी नहीं चला। इसे आप कहीं भी लेट करके कर सकते हो, इनफैक्ट अगर आप बेड पे भी लेटे हुए हो ना तो लेटे लेटे आप इस एक्सरसाइज को कभी भी दिन में कर सकते हो। अब चलो करते हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होती है उसे आराम देने में, नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी हेल्प करती है, बेबी के हेड डाउन करने में भी काफ़ी हेल्प करती है, बहुत आराम मिलता है एंड ऑल्सो डिलीवरी के बाद भी ये बहुत सही वर्क करती है आपकी बॉडी के साथ में। जितना दर्द होता है ना आपकी कमर में पेल्विक एरिया में वो सब कुछ रिमूव हो जाता है इस एक्सरसाइज की हेल्प से। जरूर करें, दिन में कई बार कर सकते हैं, स्लोली करिए एंड यू विल सी द चेंजेस। इसी पोजीशन में बैठे हुए आपको दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलना है और वी शेप क्रिएट करना है, वी फॉर्म क्रिएट करना है। पैरों को खोलना है और बिल्कुल सीधा रखते हुए ही बंद करना है, पैरों को मोड़ना नहीं है। जितना स्ट्रेट रखेंगे आप उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा और पैरों के दर्द से आराम मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको नेचुरली जो लोअर बॉडी यानी कि आपके पैर होते हैं उसे टोन करने में हेल्प करती है, रिलैक्स भी फील कराती है
पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए अच्छी होते हैं, इनफैक्ट आपके मूड स्विंग्स से भी काफ़ी अच्छे से डील करती हैं। आपको थोड़ा बहुत जो भी डिप्रेशन हो रहा होता है डिलीवरी के बाद में, टायर्डनेस हो रही होती है, वो सब कुछ ये एक्सरसाइज करने के बाद में रिलीज हो जाती है। और यही सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रही थी इसलिए मैं बहुत रिलैक्स रहती थी। पैरों को टोन करने के लिए आप पेट के बल लेट करके ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी आसान होती है। पेट के बल लेटने से आपके टमी पर भी काफ़ी असर पड़ता है, टोन करने में, सकिन करने में हेल्प भी मिलती है। वहीं पैरों को इस तरीके से बेंड करने पर, यानी कि इन आउट करने पर, बंद करना और खोलना, इससे आपको हिप्स और थाइस को टोन करने में हेल्प मिलती है। अब चलिए टमी को टोन करने के लिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। दोनों पैर को आपको ओपन करना है, दोनों हाथ को आपको सर के पीछे लेकर के जाना है और एक तरफ के पैर की नी को ऑपोजिट साइड के हाथ की एल्बो से टच कराना है। इस तरह से आपको फ्रिक्वेंटली करना है, स्लोली करिए, इससे भी बहुत हेल्प मिलती है आपके पोस्ट नेटल टमी को टोन करने में। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी बॉडी बहुत हैवी थी तो मैं रोज़ ये एक्सरसाइजेस नहीं कर पाती थी, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप रोज़ ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो ज़रूर इन सारी एक्सरसाइजेस का आपको जो बेनिफिट है, जो चेंजेस है, इम्प्रूवमेंट है, वो बहुत ही क्विकली नज़र आएगा। तो ये है मेरी प्रेगनेंसी के 9 months की बॉडी और ये रही डिलीवरी के बाद 2 months पोस्टपार्टम बॉडी। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रहे पोस्ट नेटल मसाज के साथ, स्लोली एक्सरसाइज करने के बाद ही मुझे ये चेंजेस दिखे, मेरे बॉडी में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा। टमी उतना सकिन तो नहीं हो पाया क्योंकि मैंने रेगुलरली एक्सरसाइजेस नहीं करी, लेकिन स्टिल काफ़ी इंप्रूवमेंट फील हुआ। और फर्स्ट डिलीवरी के बाद अब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो अब मेरी बॉडी ज़्यादा टोन, फिट और एक्टिव है। एक्सरसाइजेस मैंने 6 week पर शुरू करी थी और अभी मेरे डिलीवरी को 4 months हो चुके हैं।